नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जो अपनी रामबाण की सीरीज चल रही थी, आई होप आपको स्क्वायर का वीडियो पसंद आया होगा। और उसके बाद उसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए अपन जो कहानी आज स्टार्ट करेंगे वो करेंगे स्क्वायर रूट की। इसकी स्क्वायर रूट इसे दोस्तों हिंदी में बोला जाता है वर्गमूल। तो नाम से ही स्पष्ट है कि वर्गमूल कुछ ना कुछ कहानी वर्ग की ही आगे बढ़ा के बनाई गई होगी। तो ध्यान ये रखना कि जब ये आप देख रहे होंगे तो इससे पहले आप वर्ग वाला स्क्वायर वाला वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो पे आए ताकि चीजें बड़े अच्छे से समझ आए। स्क्वायर क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह की कहानी होती है। जैसे वर्गमूल की जब हम इसमें बात कर रहे होंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, तो जब भी आपको किसी का स्क्वायर रूट निकालना होगा तो ये सिंबल आएगा। इसे दोस्तों गणित की भाषा में कर्णी कहा जाता है। गणित की भाषा में क्या कहा जाता है, कर्णी कहा जाता है। और यहाँ कुछ नहीं लिखा होता, यहाँ कुछ नहीं लिखा होता तो आप ये मानोगे कि यहाँ क्या लिखा है, दो। यहाँ क्या लिखा, दो, ठीक है। उसके बाद एकदम बेसिक चीज है, उसके बाद आप जो है अंदर जो भी चीज दो बार आई, इस घात का मतलब वही होता है कि अंदर जो भी चीज दो बार आई, अंदर जो भी चीज दो बार आई उसे आप एक बार बाहर निकाल सकते हो। जैसे अंदर आपका ए इंटू ए लिखा हो, या फिर अंदर आपका अंडर रूट में ए स्क्वायर लिखा हो, तो आप उसे एक बार बाहर निकाल के क्या लिख सकते हो, ए। इसे कहा जाता है आपका स्क्वायर रूट निकालना। मतलब रूट के अंदर लिखी हुई संख्या के दो फैक्टर यदि इस तरीके से निकल जाए तो उसको बाहर निकाल लिया जाता है, और इसी का नाम आपने क्या दिया, स्क्वायर रूट, ठीक है। नेक्स्ट बात पे आते हैं। जब स्क्वायर रूट की आप कहानी समझ रहे होंगे तो एक बात ध्यान से समझना। जैसे आपने देखा था कि सर वन का स्क्वायर होता है वन, ठीक है। वन का स्क्वायर क्या होता है, वन। या फिर आप इस तरीके से समझो, आप स्क्वायर तो बड़े अच्छे से जानते हो, तो आप ये देखेंगे कि यूनिट प्लेस वाली कहानी की वन के स्क्वायर में और नाइन के स्क्वायर में, जब आप एक का स्क्वायर कर रहे होंगे और जब आप नौ का स्क्वायर कर रहे होंगे, ध्यान रखना, एक का स्क्वायर नौ का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना होता है एक, नौ का स्क्वायर कितना होता है एक, मतलब सॉरी 81। तो यूनिट प्लेस पे क्या आया, एक। तो जब भी वन का स्क्वायर कर रहे होंगे और जब भी नौ का स्क्वायर कर रहे होंगे, या फिर ऐसे नंबर जिनके इकाई अंक एक और नौ हो, जिन जो अपने यूनिट प्लेस पर वन और नौ जो है अपना नाइन रखता हो, तो उसका जब भी आप स्क्वायर कर रहे होंगे तो 100% उसका जो स्क्वायर आ रहा होगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या आता है, एक। आप इस बात को बड़े अच्छे से समझें और आप इसे चेक कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि 11 का स्क्वायर होता है 121, लास्ट में क्या आया 121, लास्ट में क्या आया, वन। जैसे आपने बोला कि सर 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 11 के लास्ट में एक है तो यहाँ भी कितना आया, एक। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये बात आपके बहुत काम की है। उसके बाद जब आप देख रहे होंगे कि सर 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलेंगे 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। क्या ऐसा और कोई नंबर है जिसके स्क्वायर करने पे 4 आता हो, तो आप बोलेंगे हाँ सर, ऐसा एक और नंबर है, वो है क्या, 8। तो आप ये कहेंगे कि कभी भी किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे इकाई के अंक पे 2 या 8 लिखा हो, कितना लिखा हो दोस्त, 2 या 8, तो हमेशा उसके स्क्वायर करने पे कितना आता है, 4। उसके स्क्वायर करने पे कितना आएगा, 4। बात क्लियर, ठीक। उसके बाद जब आप देख रहे होंगे 3 का स्क्वायर और साथ में इसके देख रहे होंगे 7, तो आप बोलेंगे 3 का स्क्वायर होता है 9 और 7 का स्क्वायर होता है क्या, 49। तो जब भी 3 यूनिट प्लेस वाले नंबर का स्क्वायर कर रहे होंगे और 7 यूनिट प्लेस वाले नंबर का स्क्वायर कर रहे होंगे, तो उसके स्क्वायर में हमेशा लास्ट में क्या आ रहा होगा, 9, ठीक है। 4 हो गया, आपको पता है 5 के साथ कोई कहानी नहीं है, 5 के स्क्वायर में हमेशा क्या आया था, 5। 6 के स्क्वायर में हमेशा क्या आता है, 6। 4 के स्क्वायर में इसी तरीके से आपको पता है 4 के स्क्वायर में भी क्या आएगा, 6। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16। तो 6 और 4 ये हमेशा क्या देते हैं आपको, 6। 7 आपको पता है, 8 आपको पता है, 9 आपको पता है, और 0 का आपको पता है कि 0 का जो स्क्वायर होता है उसका, जब 0 में किसी भी नंबर में यदि 0 हो यूनिट प्लेस पे और उसका यदि आप स्क्वायर कर रहे हो, तो हमेशा जो उसका स्क्वायर आएगा वो सिंगल 0 होगा तो 2 0 आएगा, और डबल 0 होगा तो आपका, जैसे आपने बोला कि 10 का स्क्वायर कर रहा है तो आपका कितना आएगा, 100। ध्यान रखना ये बात कि 10 का स्क्वायर कर रहे होंगे तो 100 आएगा, और जैसे आप 100 का स्क्वायर कर रहे होंगे तो 100 का स्क्वायर कितना आएगा, 1000, सॉरी 10000।
दो जीरो है तो स्क्वायर करने पे कितने जीरो हो जाते हैं, चार, डबल जीरो, कितने जीरो होंगे, डबल जीरो, ठीक है। उसके बाद जो आपके सामने स्क्वायर की टेबल है, जिसको आपने बड़े अच्छे से इससे पिछले वाले वीडियो में देखा था और इसको समझा था कि इस टेबल में आपकी क्या क्या कहानी हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज, डेसिमल वाली कहानी, दशमलव वाली कहानी आपको कुछ परेशान करती है, ध्यान देना। जैसे आपने बोला कि 1.2 का स्क्वायर, आपने बोला 1.2 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे एक 12 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 144। डेसिमल को भूल जाएं, एक समय के लिए डेसिमल को आप बिल्कुल भूल जाएं कि डेसिमल होता भी है, सीधा आप जो नंबर लिखा है उसका स्क्वायर करें, उसका स्क्वायर किए तो आपने कितना आया, 144। 12 का स्क्वायर कितना आया, 144। उसके बाद आपने देखा कि सर यहां तो डेसिमल लिखा था, तो आपको क्या गुणा करना नहीं आता, और जब आप गुणा करते हैं यहाँ जो भी रिजल्ट आ रहा होगा तो आप बोलते हैं कि एक संख्या यहाँ और एक संख्या यहाँ, तो दशमलव लगाएंगे कितनी संख्या के बाद, दो संख्या के बाद। तो यहाँ जब भी आप स्क्वायर कर रहे होंगे और जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे होंगे उसमें जितने नंबर के बाद दशमलव लगा है पीछे से, उससे दो गुने नंबर के बाद यहाँ आप दशमलव लगा रहे होंगे। जैसे एक नंबर के बाद लगा तो यहाँ कितने नंबर के बाद लगा रहे होंगे, दो नंबर के बाद, ठीक है। इसके अलावा आपकी कोई भी बिल्कुल भी कहानी नहीं है, जो आप जैसे आपने स्क्वायर किए थे उसी तरीके से आप बड़ी आसानी से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। देखना किस तरीके से आप स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। सबसे पहले आप इनके देखो, जैसे आपके सामने लिखा जाए, तो जब भी आपको स्क्वायर रूट निकालने का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप पीछे दो दो के पेयर बनाओ, पीछे क्या करो, दो दो के पेयर बनाओ और देखो कि कितने पेयर हो रहे। तो आपने बोला यहाँ दो का पेयर, एक ये हुआ, उसके बाद तो सर दो का पेयर कोई बन नहीं रहा, तो एक काम करो यहाँ सामने जीरो लगा लो, ये दो नंबर का पेयर हुआ, दो हो गए। यहाँ पेयर बना लो, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी दो का पेयर, यहाँ भी दो का पेयर। दोस्तों ये दो का पेयर मैं इसलिए बनाने को कहा आपको क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि ये जो नंबर लिखे हैं, बहुत सारे नंबर लिखे रहते हैं और पूछता है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है या इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने, नंबर ऑफ डिजिट कितने। अपन ये पक्की बात बता सकते हैं कि ये जो नंबर है ये टू डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर, कितने डिजिट वाले, टू डिजिट वाले। ये भी कितने डिजिट, जितने पेयर उतने डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर, जितने पेयर उतने डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर। और ये बात आपसे पूछी जाती है, इसलिए मैं आपसे बोला कि आप तरीका ये आजमाओ कि आप क्या करें, इनके सबसे पहले आप क्या कर लें, पेयर बना लें। उस बात को अपन देखेंगे कि वो बात जो है आपकी क्या है, ठीक है। तो जब आप देख रहे होंगे कि इसका जब स्क्वायर कर रहे होंगे, इसका जब आप स्क्वायर कर रहे होंगे, तो आपने देखा कि स्क्वायर रूट हमको निकालना है, दो दो के पेयर बना लिए, दो दो के आपने पेयर बना लिए। उसके बाद आपने देखा कि यूनिट प्लेस पे क्या आया, चार। इकाई का अंक आपका क्या आया, चार। और इकाई का अंक जो आता है आपका, इकाई का जो अंक आता है चार, वो कब कब आता है, या तो टू के स्क्वायर में आएगा, या तो टू के स्क्वायर में फोर होता है, या फिर आपका आठ के स्क्वायर में फोर होता है। क्या यहां तक बात क्लियर है कि चार इकाई का अंक, या तो देखो आपको बताए थे कि चार जो आता है या तो दो के साथ आता है या तो किसके साथ आता है, आठ के साथ, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि जीरो एक, जीरो एक क्या देखा आपने, जीरो एक, जीरो एक मतलब जीरो एक जो है आपके किसके स्क्वायर के करीब है। तो आप बोलेंगे का जीरो एक, जीरो एक तो किसके करीब है, एक के स्क्वायर के करीब है, किसके करीब है, एक के स्क्वायर के करीब है। तो आप सामने क्या लिख लें, एक, सामने क्या लिख लें, एक। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आपने देखा कि 44 चार आ गया, उसके बाद आपने देखा कि जीरो एक किसके करीब है, जीरो एक जो है आपके कौन कौन से स्क्वायर नंबर के करीब है। आप बोलेंगे एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर दो होता है, दो का स्क्वायर यदि कर रहे होंगे तो आपका चार हुआ, एक का स्क्वायर कितना हुआ, एक। तो जो एक जो आता है वो किसके बीच में आता है, एक और चार, एक जो आता है वो किसके बीच में आता है, एक और चार। तो सामने आपने क्या लिख लिया, एक, हमेशा ही सामने छोटा नंबर लिखा जाएगा, बात समझी। पहला क्वेश्चन है, जब 10-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो बहुत आसानी से समझ आएगा। उसके बाद आपने देखा कि छोटा नंबर आपने लिख लिए, उसके बाद आपने देखा कि जीरो एक जो है वो आठ के बहुत करीब है या दो के बहुत करीब है। तो आप बोलेंगे दो के बहुत करीब है, तो आपका जो इसके साथ आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, दो, पक्की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, संयम रखें, आपको बिल्कुल समझ आएगा, बिल्कुल हड़बड़ाए ना, जो स्टेप आपको बताई गई है उसको फॉलो करें। जैसे आपने लिखा यहाँ सर यूनिट पे पांच आया, तो इसमें कोई कहानी है ही नहीं, पांच जो भी जिसका भी ये स्क्वायर होगा, ये बात तो 100% कंफर्म हो गई कि जिसका भी ये स्क्वायर होगा उसके लास्ट में क्या रहा होगा, पांच, तब यहाँ क्या आया, पांच। उसके बाद आपने देखा कि सर जी 20 जो आता है वो किस किस के स्क्वायर के नजदीक आता है, 20 जो आता है वो किस किस के स्क्वायर के नजदीक आता है। तो आपने बोला कि सर 20 जो आता है वो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर क्या, 25, इसके नजदीक आता है। जो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर क्या हुआ, 25, उसके बीच में कौन आता है, 20। अब आपको तीसरी स्टेप में चेक ये करना है कि ये 16 के ज्यादा करीब है क्या, 25 के ज्यादा करीब है।
आप मुझे बताएं। तो 16 में 20 में आप 5 जोड़ रहे होंगे तब 25 हो रहा होगा, और 20 में आप कितना घटा रहे होंगे तब 16 बन रहा होगा, 4। तो आप ये बोल सकते हैं कि सर जो 20 है वो किसके करीब है, 16 के। 16 के करीब है मतलब 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। तो आप सामने बता रहे होंगे कितना आ रहा होगा, 4। पक्की बात है, फिर भी समझ नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपने बोला 29, 29 कब आ सकता है बता, 29 आपका कब आ सकता है। तो आप बोलेंगे सर 29 जो आएगा, 29 जो आएगा आपका, 29 आपने के आएगा या तो 3 में आएगा, 3 का वर्ग 9 होता है, या फिर आएगा आपका 7 में। यूनिट प्लेस पे या तो 3 आएगा या तो क्या आएगा, 7। पक्की बात है, 3 आया या 7 आया। उसके बाद जब 10 की आप कहानी देख रहे होंगे तो 10 की कहानी में आप ये देख रहे होंगे कि 10 जो आता है सर, एक तो 9 के करीब आता है, और 9 के बाद क्या होता है आपका 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, 10 तो आएगा 9 के करीब आएगा, या 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, उसके करीब आएगा। अब यहां मैटर यह है कि आप ये बोले कि यूनिट प्लेस पे 3 आएगा क्या 7 आएगा, 3 आएगा क्या 7 आएगा, इस बात को सॉरी यहां 69 होगा, कितना होगा 60, कितना होता आपका 2 1 1029 1029 1029, किसका स्क्वायर होगा आपका 1029 1029 होगा, क्या होगा आपका 1089। यहाँ थोड़ा सा सुधार लें कि 10 क्या हो रहा होगा 89 1089, ये आपका स्क्वायर किसका होता 33। तो आप बोल रहे होंगे कि सबसे पहले आप छोटा नंबर लिख लें, सबसे पहले आपने क्या किया छोटा नंबर लिख लिया, छोटा नंबर क्या लिख लिया 3। उसके बाद आप मुझे बताएं, छोटा नंबर लिख लिए, छोटा नंबर लिखने के बाद आप मुझे बताएं ये जो 10 आया, ये जो 10 आया वो 9 के ज्यादा करीब है 16 के ज्यादा करीब है। तो आप बोलेंगे सर ये जो 10 आया है वो किसके ज्यादा करीब है, 9 के, किसके ज्यादा करीब है 9 के, 9 के ज्यादा करीब है, मतलब यहां भी आपका क्या आ रहा होगा 3, यहां भी आपका क्या आ रहा होगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ये है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे आपके सामने लिखा है 15625, 15625 को आपने देखा तो सबसे पहले 15625 में आप जो कर रहे होंगे वो पेयर बना रहे होंगे, सबसे पहले क्या कर रहे होंगे पेयर बना रहे होंगे। तो यहाँ आपने 3 पेयर बनाए, कितने पेयर बनाए दोस्त 3, 3 पेयर आपने जैसे ही बनाए तो आप ये बोल सकते हैं कि जो 15625 लिखा है, 15625 लिखा है वो आपके 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर होगा, किसका स्क्वायर होगा 3 डिजिट नंबर का स्क्वायर होगा। ये बात आप यहां से क्लियर कर सकते हो, लास्ट में क्या आया आपका 5, तो ये पक्का 5, लास्ट में क्या आया आपका 5, तो ये क्या है पक्का 5। उसके बाद आपका नंबर क्या बचा 156, नंबर क्या बचा 156, 156 किस किस के करीब है 144 और किसके करीब है 169, 144 और 169, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169। अब ये चेक करें ये किसके ज्यादा करीब है, ये जो है किसके ज्यादा करीब है, आप बोलेंगे 156 और ये हुआ 144, यहां से कितना कम है, कितना करीब है 12, और यहां से कितना करीब है आपका 13। तो आप बोलेंगे सर ये जो है ना ये 12 के ज्यादा करीब है, किसके ज्यादा करीब है 12 के, तो आपका कितना उत्तर आएगा 125। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब इसको आप कर रहे होंगे देखो डेसिमल वाली कहानी है, यहाँ 4 है, जब 2 का स्क्वायर, जब अपन 1 डेसिमल का स्क्वायर करते हैं तो उधर जाके कितना हो जाता है 2, ऐसे अंडर रूट से जब 4 स्क्वायर, 4 जैसे डेसिमल के बाद, डेसिमल जो है कितने नंबर के बाद है 4, इसको जब उत्तर में लिख रहे होंगे तो कितने नंबर बाद डेसिमल आ रहा होगा 2 नंबर बाद, कितने नंबर बाद 2 नंबर बाद। तो जब आप यहां कर रहे होंगे 2 का पेयर, 2 का पेयर, यहां 2 का पेयर, उसके बाद आपने देखा 25, 25 का आपने लिखे 5, ये पक्का 5 आने वाला। उसके बाद 132 को चेक कर रहे होंगे तो आपको पता है 132 जो है वो 144 और 121 के नजदीक है, 144 और किसके नजदीक है 121 के नजदीक है, तो 144 के ज्यादा नजदीक है क्या 121, तो आप बोलेंगे कि ये जो है ना सर ये जो है ये ज्यादा नजदीक किसके है 121 के, किसके नजदीक है 121 के, और 121 किसका स्क्वायर होता है 115 का, किसका स्क्वायर होता है 11 का, 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का। देखो 11 और 32 में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का 11 का, और यहाँ जो है डिफरेंस कितने का आपका 12 का। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, इस बात पे हाँ सॉरी, यहाँ जो है 4 नंबर के बाद डेसिमल लगा है, तो यहाँ आप कितने नंबर बाद डेसिमल लगा है प्यार से बड़े 2 नंबर बाद, 1.15। ठीक है, यहाँ आ जाए, यहाँ फिर आपने देखा कि यहाँ तो 5 पक्का आना है, 2 अंक काट दो, 2 अंक काट दो, तो बचा कितना 1482। आपको पता है कि 38 का स्क्वायर कितना होता है 1444, 38 का स्क्वायर कितना होता है 1444, और इसका जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 1500, कितना होता है 1529, कितना स्क्वायर होता है 1529।
29, 39 का जो स्क्वायर होता है, 39 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 1521। क्या होता है आपका 1521, सॉरी 1521। जब इसको देख रहे होंगे फिर इसको क्रॉस चेक कर रहे होंगे तो 1521 जो होता है फिर किसके ज्यादा करीब है, 38 के। तो आप लिख रहे होंगे ये कितना आया, 385। कितने संख्या के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ जो आएगा वो कितनी संख्या के बाद डेसिमल लग रहे होंगे आप, 3 नंबर के बाद। कितने नंबर के बाद डेसिमल लग रहे होंगे, 3 नंबर के बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, ये आपके हो गए हैं ये। अब देखो इस तरीके से भी आपको स्क्वायर रूट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड नंबर ऑफ डिजिट, क्या फाइंड नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर। मतलब जो नंबर जो है, जो नंबर है इनका जब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे, इनका जब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। ध्यान रखना ये क्वेश्चन जब भी आए तो पहले स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना। यदि आप स्टेटमेंट नहीं पढ़ते हो ना दोस्त, तो ये नंबर देख के ही पसीने छूट जाते हैं। जल्दी जल्दी में पढ़ लिए, स्क्वायर रूट निकालना है और स्क्वायर रूट निकालना है और ये लिखा आपके 10-12 नंबर, निकाल दो स्क्वायर रूट। निकलेगा क्या? बिल्कुल नहीं निकलेगा, निकलेगा लेकिन आपके बहुत समय के बाद। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी आपको नंबर ऑफ डिजिट लिखाया गया है, नंबर ऑफ डिजिट पूछा गया है, तो आपको अभी बहुत आसान तरीके बताए थे कि आप उनके पेयर बना लें, 1 2 3 4, यहां कुछ नहीं तो 5। मतलब ये जिसका भी स्क्वायर रूट होगा, ये जिसका भी स्क्वायर रूट होगा, जिसका भी स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने डिजिट हो रहे होंगे, 5। कितने डिजिट हो रहे होंगे, 5। ठीक है, जैसे ये नंबर लिखा आपके सामने, आपने देखा दो दो के पेयर बन लो, पेयर हमेशा पीछे से बनाना, पेयर जो है हमेशा कहां से बनाना है, पीछे से। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखना, पेयर जब पीछे से बना रहे होंगे तो इस तरीके से आपके पेयर बने। आपने बोला कि 1 2 3 4 5, मतलब आप ये कह सकते हो आपको नहीं पता ये किसका स्क्वायर है, आपको निकालने की भी जरूरत नहीं और आपसे उन्हें पूछा भी नहीं, आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि आप नंबर ऑफ डिजिट बता दो। क्या बता दो? नंबर ऑफ डिजिट, कि ये जो नंबर लिखा है ये जिसका भी स्क्वायर है उसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, तो कितने नंबर ऑफ डिजिट हो रहे होंगे, 5। जैसे आपके सामने लिखा है 144 पेयर जब बना रहे होंगे तो 10 और चिपका दो, एक और एक कितने पेयर बन गए, 2 पेयर। तो आप बोलेंगे इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट। कितने नंबर ऑफ डिजिट, 2 डिजिट। आपको ये अच्छे से पता है ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का, और 12 में कितने डिजिट है, 2 डिजिट। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको स्क्वायर रूट निकालना सीखा होगा। बार बार आप उसी चीजों को प्रैक्टिस करें जो चीजें आपको सिखाई गई है, ठीक है, और जिस वैरायटी के क्वेश्चन आपको आते हैं उस तरीके से आपको स्क्वायर में भी बताए गए थे और ये स्क्वायर रूट में भी बताए गए, ठीक है। इसके बाद जो रामबाण में आपकी आगे कहानी होगी वो बाण सीधे जो लगेगी वो किस पे लगेगी, क्यूब पे। ठीक है, चल टाटा बाय बाय।